Hello students, welcome to Physics I Am Possible class. So in today's lecture we will discuss about the beam and its components. So what is a beam? So in physics, beam is defined as a structure of uniform cross section whose length is large as compared to its thickness. And the beams are used in construction of bridges and infrastructure. तो बीम क्या है जिसका लेंथ जो उसका थिकनेस है बहुत लार्ज हो. तो ये देखो एक मेरा मान लो एक बीम है, यूनिफॉर्म वाला बीम है. ठीक है, पहले तो देखो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है. इसका जो ये सर्कल जो ये यूनिफॉर्म है, थोड़ा डायग्राम में करोगे अगर कहीं से भी आप काटेगा कहीं से भी काटेगा तो ये सर्कल जो क्रॉस सेक्शन जो एंडिंग वाला सेम होगा. इसको जैसे कि इसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो अगर आप इसको यहां से काटेगा तो बराबर ही मिलेगा. उसी तरह से यहां अगर ये यहां से काटेगा तो इधर भी क्रॉस सेक्शन बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा. लेकिन इसका केस में अगर आप यहां से काटेगा तो ये दोनों सेम होगा, इसका एंडिंग और इसका एंडिंग सेम होगा, नहीं होगा. तो इसको बोलता है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसको बोलता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. सिमिलरली यहां पे भी ये क्रॉस सेक्शन अगर यहां से काटेगा तो बराबर मिलेगा. तो ये है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. तो बीम होने के लिए फर्स्ट उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना है, सेकेंड उसका लेंथ जो उसका थिकनेस है उसका थिकनेस से बहुत लार्ज होना है. तो ये तो यूनिफॉर्म ही नहीं है तो ये तो बीम नहीं हो सकता है. तो बीम का लेंथ जो उसका थिकनेस से बहुत लार्ज होना है. और बीम सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया ये है सर्कुलर वन और ये रेक्टेंगल वन. फिर चलते हैं न्यूट्रल सरफेस में. तो क्या लिखा था, लेयर द लेयर विच इज नाइदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस इज नोन एज न्यूट्रल सरफेस. वो लेयर जो ना स्ट्रेच होता है ना ही कंप्रेस होता है उसको होता है न्यूट्रल सरफेस. तो डायग्राम के थ्रू से समझते हैं. जैसे कि मेरे रेक्टेंगुलर बीम है और ये मेरा न्यूट्रल सरफेस है, ये पूरा जो मेरा स्ट्रेट होगा ये न्यूट्रल सरफेस है, बीच में होगा. तो जब इसको हम बेंडिंग करेगा, मान लो ये रेक्टेंगुलर बीम है क्योंकि तो मेरा स्केल को तो रेक्टेंगुलर नहीं दिखा सकता, तो उसको जब आप ऐसे बेंडिंग करेगा तो ये न्यूट्रल सरफेस में कुछ चेंजेस नहीं होगा. न्यूट्रल सरफेस में ना ही एक्सटेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा, मीन्स ना स्ट्रेच होगा ना ही कंप्रेस होगा. लेकिन जो न्यूट्रल सरफेस का ऊपर वाला एरिया है उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, फैलेगा. और न्यूट्रल सरफेस का नीचे वाला एरिया में क्या होगा, कंप्रेशन होगा. जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कंप्रेशन होगा, दबेगा. लेकिन न्यूट्रल सरफेस में एक्सटेंशन और कंप्रेशन क्या होगा, दोनों जीरो होगा. न्यूट्रल सरफेस में एक्सटेंशन भी जीरो, कंप्रेशन भी जीरो, मिडिल वाला लेयर. और जो एक्सिस जो न्यूट्रल सरफेस से पास हो रहा है उसको बोलता है न्यूट्रल एक्सिस. तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू न्यूट्रल सरफेस, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सरफेस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस. जो एक्सिस न्यूट्रल सरफेस से पास हो रहा है उसको बोलता है न्यूट्रल एक्सिस, ये है न्यूट्रल एक्सिस. फिर है प्लेन ऑफ बेंडिंग. अगर हम अपना बीम को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर लेगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया. अगर मेरा बीम जो ओरिजिनली रखे उसको बेंडिंग करेगा तो प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होगा, वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है. तो प्लेन ऑफ बेंडिंग होगा वर्टिकल. और अगर आप बीम को वर्टिकली प्लेस करके बेंडिंग करेगा तो मेरा प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होगा, एच एक्सिस, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है ये दोनों. और यहां पर क्या होगा था, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस में. तो उसी को बोलता है प्लेन ऑफ बेंडिंग. सो प्लेन ऑफ बेंडिंग द प्लेन इन विच बेंडिंग टेक्स प्लेस इज नॉन एज प्लेन ऑफ बेंडिंग. व्हेन ए बीम इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, व्हेन ए बीम इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली द प्लेन ऑफ बेंडिंग इज वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द बीम. तो जो बीम को आप हॉरिजॉन्टली रखेगा
तो प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होगा? वर्टिकल होगा, जो कि बीम से परपेंडिकुलर होगा। प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होगा? जैसे क्या, अगर हम डायग्राम देखेगा, ये बेंडिंग ऐसा हो रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है, यहां से ऐसे से जाके वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मींस वर्टिकली चेंज हो रहा है, और वो क्या होगा, ये बीम से परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर आप बीम को ऐसा करके बेंडिंग करेगा तो कौन सा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? ये तो वही है ना, वाई मीन्स वर्टिकल, ये एक्स, एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो एक्स में चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो रहा है, और ये बीम जो किससे परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर है, एंड वाइज वर्सा। तो अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन होता है तो परपेंडिकुलर काटा दो, और इजी करना है तो द प्लेन इन विच बेंडिंग टेक प्लेस नोन एज प्लेन ऑफ बेंडिंग, व्हेन ए बीम इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली द प्लेन ऑफ बीम इज वर्टिकल प्लेन। बस परपेंडिकुलर अगर आपको कंफ्यूजिंग करना है तो ये हटा दो। So thank you students, and please like and subscribe my channel.